यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th की सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली लेंगे साथ, त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं हैं, त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं प्रश्नावली साथ है। वैसे भी अपने प्रश्नावली साथ नया चैप्टर है। वैसे त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं अपन कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं वह त्रिकोणमिति संबंध होता है उपयुक्त कोणों के उन्हीं के सभी मानों के लिए सत्य होंगे जिन मानों पर प्रयुक्त त्रिकोणमिति अनुपात परिभाषित होता है। जैसे त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं, तो त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं वह त्रिकोणमिति संबंध होता है त्रिकोण मिति सर्व समीकाएं। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं वह त्रिकोण मिति त्रिकोणमिति संबंध होता है जो उन प्रयुक्त कोणों के उन सभी मानों के लिए सत्य होंगे जिन मानों पर प्रयुक्त त्रिकोण मिति अनुपात परिभाषित हो। क्या हो? त्रिकोणमिति अनुपात परिभाषित हो। तो आप देखो त्रिकोणमिति अनुपात किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो अपन एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखो आप ये लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ लेते हैं सी। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने एक भुजा होगी अपने पास करण। ठीक, इसको ले लेता हूँ कोण, तो कोण के सामने की भुजा ये होगी अपने पास लंब। पीछे ये बचा अपने पास आधार। ये समकोण त्रिभुज बी ए सी में ए बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। बी सी बराबर है कर्ण। ए बी बराबर है आधार। ठीक, और ए सी बराबर अपने पास क्या है? लंब है। ठीक है ना, ये है अपने पास समकोण त्रिभुज सी ए बी में पाइथागोरस
क्षेत्र में लगाने 5 अगस्त पर में लगाने पर 5 अगस्त पर में ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, कर्ण अपने पास है बी सी स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, आधार अपने पास है ए बी, ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब है अपने पास ए सी, ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये है अपने पास दोनों तरफ बी सी का भाग देने पर, दोनों तरफ बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, तो बी सी स्क्वायर का भाग देंगे बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ये आया अपने पास बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया एक, यहाँ आ गया एक, तो यहाँ अपने पास आ गया ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ गया अपने पास ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए बी अपॉन बी सी, ए बी आधार बटा कर्ण, ए बी अपने पास है आधार बटा कर्ण, ए बी है आधार, बी सी है कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपने पास है लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आता है साइन थीटा में, साइन थीटा, तो ये आ गया इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है ये वन। देखो आप ए बी बी सी, ए बी बी सी की जगह लिख दिया मैंने कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए सी बी सी, ये आ गया बस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, कितना होता है, एक होता है, ये आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा वैसे तो डायरेक्ट याद कर सकते थे अपन, मैंने आपको यहाँ समझा दिया, समकोण त्रिभुज लिया, त्रिकोणमितीय सरसमीकरण है वह त्रिकोणमितीय संबंध होता है जो उन पर प्रयुक्त होने उन्हें सभी मानों के लिए सत्य होंगे। समकोण त्रिभुज बी ए सी में ए 90 डिग्री है, बी सी कर्ण है, ए बी आधार है, ए सी लंब है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बी सी कर्ण है, ए बी आधार है और ए सी लंब, दोनों तरफ बी सी स्क्वायर भाग दिया मैंने। ठीक है ना, तो बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये कहेगा ए बी अपॉन बी सी आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, ए सी अपॉन बी सी लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया एक। ये आपके पास प्रथम सरसमीकरण, कितने सरसमीकरण है, प्रथम सरसमीकरण है, तो सरसमीकरण है ये आपके प्रथम सरसमीकरण आ गई। देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक्चुअल में ये सरसमीकरण लोग रटते हैं, मैंने आपको प्रूव करके बताया ये आया कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान एक आया कहाँ से है, ये आपके हैं। और पढ़ते हैं अपनी सरसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ये आपके प्रथम सरसमीकरण है जो आप सिद्ध करके बता दिया। दोनों तरफ कोज स्क्वायर थीटा का
दोनों तरफ कोज स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा बराबर हो गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोज स्क्वायर थीटा, कोज स्क्वायर थीटा से कोज स्क्वायर थीटा चल कट गया, ये आ गया अपने पास एक वन अपॉन कोज स्क्वायर थीटा बराबर हो गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया ये सरसमिका एक और ये सेकेंड सरसमिका आ गई अपने पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सरसमिका फर्स्ट से सेकेंड लेके आए अपन, ये आ गई सेकेंड, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ बोले और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर एक में दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चला गया, ये आ गया वन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कोट स्क्वायर थीटा और वन अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर हो गया अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके सरसमिका आ गए तीन, तीसरी सरसमिका अपने पास है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पहली सरसमिका साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा का मान एक, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन सरसमिका है। अब देखो इनसे अपन कैसे मान निकालते हैं, तो ये पहली सरसमिका अपने पास है ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का बराबर एक, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान अपन लिख सकते हैं वन माइनस कोज स्क्वायर थीटा और कोज स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन अंडर रूट वन माइनस कोज स्क्वायर थीटा और कोज थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, या आप चाहो उस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तीन रूप हो गए इसके, देखो बी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वन बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास, और अपने पास ये आ जाएगा देखो कैसे, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, और देखो आप, और ये जो दिख रहा है अपने पास इसको एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और करते हैं अपन वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन,
ये लिख सकते हैं अपन। और अपने पास एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कॉस एक्स थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉस एक्स थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी लिख सकते हैं अपन। और कॉस एक्स थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और ये आपके तीनों सरसमीका है, अब आप चाहो उसको उसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। सरसमीका आपके पास पड़ी है, आपको सरसमीका है उसके अतिरिक्त आपको ये सूत्र भी आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलग से इम्पोर्टेंट सूत्र है। फिर आपके पास ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला सूत्र, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र आना चाहिए आपको, ये सरसमीक आपको आना चाहिए। ये आते हैं सरसमीक आती है, सूत्र आते हैं, और आपको सरसमीका खोलनी आती है तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न हो सकता है आपके पास में, और उस प्रश्न को आप बढ़िया तरीके से टचअप कर सकते हो और बढ़िया कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप से प्रश्न करोगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब करते हैं अपन सवाल, क्या करते हैं सवाल करते हैं, देखो कैसे करते हैं सवाल। अब करते हैं सवाल आपके सामने, देखो अपन लेते हैं सवाल, लेटेस्ट सवाल, एक सिंपली सरसमीका वाला अभी लेते हैं, देखो सिंपल सवाल लेते हैं, देखो कैसे। ये लिया आपके सामने सवाल का एग्जांपल, देखो आप अभी लेते हैं ये एग्जांपल, देखो आपके सामने कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, ये है, और इसके बराबर सिद्ध करना अपने को, सिद्ध करो वन माइनस, इसके बराबर सिद्ध करो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करो। देखो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, सरसमीका है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपके वो सरसमीका लगी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसका यूज करेंगे, ए की जगह कॉस थीटा है, बी की जगह साइन थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा एक, यहाँ आ जाएगा एक, ठीक। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं, तो ये आपके कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को यहाँ से उत्तर दिए चाहिए, अपने को
साइन कोज चाहिए नहीं, तो आप कोज नहीं चाहिए तो आप सरसों का यूज़ करेंगे कोज, उसको थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इस्तेमाल करेंगे अपन, कोज उसको थीटा की जगह अपन ये रख देंगे। तो देखो आप वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन आ गया, एक साइन और एक साइन टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके आंसर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया। ये आपके कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा बराबर ये सिद्ध करना था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस फोर थीटा माइनस साइन फोर थीटा रखा, कॉस फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उत्तर चाहिए नहीं, इसको चाहिए टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोज चाहिए नहीं, तो कोज उसको थीटा बराबर क्या आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोज उसको थीटा की जगह रख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम्पल लेते हैं प्रश्न वाले में थोड़ा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बराबर एक, तो ये आपके होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपके राइट हैंड साइड। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, देखो आपके ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इस सरसमिका का इस्तेमाल करेंगे, सरसमिका आनी चाहिए आपको ठीक है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह एक है और बी की जगह साइन थीटा है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा गया और वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉज स्क्वायर थीटा, ये होता है इस सरसमिका का भी यूज करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास कॉज स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आ गया सेक थीटा और ये हो गया कोस थीटा का होल स्क्वायर डैट, और सेक थीटा और कोस थीटा का गुणनफल होता है एक, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, क्या होते हैं व्युत्क्रम, तो एक का स्क्वायर क्या आ गया अपने पास एक, ये आया अपने पास इसका आंसर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वन प्लस टेन की जगह आ गया टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा गया, ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया कोज स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर सेक थीटा कोज थीटा गुणनफल होता है एक, एक का स्क्वायर है एक, ये आया अपने पास राइट हैंड साइड। ओके एग्जाम्पल इसको दे दो दो और ये हो गया एग्जाम्पल तीन, ये आपके है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके हैं राइट हैंड साइड। तो आप देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन, वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा। तो देखो लसअप ले लेते हैं अपन, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन को इससे गुणा हो जाएगा वन से वन माइनस
साइन थीटा प्लस वन को इससे गुणा हो जाएगा वन प्लस, इसको इससे गुणा किया और इसको इन दोनों गुणनफल नीचे, ये साइन थीटा माइनस का और ये प्लस, एक और एक आ गया अपने पास दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया तो ए की जगह वन है बी की जगह साइन थीटा है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देखो टू यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा बराबर है टू सेक स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वन प्लस टेन साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा, इसको इससे गुणा कर दिया इसको इससे गुणा, इन दोनों का गुणनफल गुणनफल क्या रख दिया अपने साइन थीटा प्लस का और माइनस का कट गया एक और एक बच गया दो, ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया। आपको सर्वसम्मिका आती है तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे।